हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सिंपल लैंग्वेज शिखा। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप रसमलाई इजीली घर पर कैसे बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी वीडियो। फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि रसमलाई बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। ये 3 लीटर दूध है, फुल क्रीम दूध का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। 3 लीटर दूध है, इसमें से 2 लीटर दूध के हम लोग रबड़ी बनाएंगे और 1 लीटर दूध का छेना। ये चीनी है, लगभग आधा किलो चीनी है, इसमें से हम सिरप भी बनाएंगे और रबड़ी में भी डालेंगे। और ये पाउडर आप देख रहे हैं, थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब ये पाउडर है। ये है कॉर्न स्टार्च, कॉर्न फ्लावर जिसे हम बोलते हैं। और ये है हमारे पास टार्टरी, बहुत ज़रा सी चाहिए हमको, थोड़ी सी टार्टरी चाहिए दूध को फाड़ने के लिए। ये है ड्राई फ्रूट्स, इसको गार्निश करने के लिए आप कोई भी अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। ये है रोज एसेंस अजंता का, जो कि हम इसमें डालेंगे। और ये छोटी इलायची, और ये है कलर, ये ऑरेंज कलर है, केसरिया कलर, खाने वाला कलर है। अगर आप चाहें तो आप कलर अवॉइड कर सकते हैं, आप इसके जगह पे केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे का क्या प्रोसेस है। सो हमने गैस पे 2 बर्तन रख लिए, एक तरफ कढ़ाई, एक तरफ ये भगोना है। इसमें हम लोग दूध फाड़ने के लिए दूध डालेंगे। ये फुल क्रीम दूध है, इसमें हम लोग दूध जो फाड़ेंगे, इसके हम छाना बनाएंगे, वो लगभग 1 लीटर दूध का बनाएंगे। तो अभी मैंने इसमें 1/2 लीटर दूध डाल चुका है, फिर 1/2 लीटर और दूध इसमें ऐड करेंगे। तो गैस के इस साइड पे मैंने इस पैन में ये दूध रख दिया है। इसको हम इस दूध 1 लीटर दूध है, इसको हम फाड़ेंगे। और उधर ये गैस की दूसरी साइड पे मैंने ये कढ़ाई रख दी है, इसमें हम रबड़ी बनाएंगे। तो इसमें हम लोग 2 लीटर दूध ऐड करेंगे। ये आप देख रहे हैं, मैंने दूध रख दिया है, इसका हम छेना बनाएंगे। और इधर ये जो दूध है, इसको हम रबड़ी बनाएंगे। तो इसको बीच बीच में चलाते रहना, ताकि ये दूध नीचे लगे ना, और इसको धीरे धीरे ऐसे उबालते रहना, गाढ़ा होता जाएगा ये। और इस दूध में हम लोग उबाल आने का वेट करेंगे, जैसे उबाल आएगा तब इसको हम फाड़ने का प्रोसेस करेंगे। और तब तक ये जो हमारे पास स्टार्टरी थी, इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी डालकर इसको रख लेंगे, ताकि ये फूल जाए। ये एक फिटकरी टाइप का सॉलिड होता है, इसमें लगभग हमने 1/2 कटोरी पानी में इसको रख दिया, ताकि ये इसमें घुल जाए। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि दूध में उबाल आ चुका है। तो इस दूध में उबाल आ चुका है, अब मैं इसको गैस को बंद कर दूंगी और इस दूध को हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे। उसके बाद हम इसमें टार्टरी ऐड करेंगे इसको फाड़ने के लिए। अगर आप ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं तो आप इसमें पानी मिला सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा आप पानी मिला सकते हैं, जैसे कि मैं अभी पानी मिला दूंगी इसमें, क्योंकि अगर हम ज़्यादा गर्म में इसको हम फाड़ेंगे तो छेना है वो इतना सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो छेना को सॉफ्ट बनाने के लिए हमें इसको थोड़ा सा मीडियम उसमें रखना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा गर्म ना हो, ज़्यादा टाइट हमारा छेना ना बने। और इधर ये दूसरी तरफ यहाँ पर कढ़ाई है, मैं इसमें बार बार चला देती हूँ। इधर मैं देख रही हूँ, इधर हमारी रबड़ी बन रही है। सो अभी मैंने इसमें पानी मिला दिया, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है। अब हम इसमें टार्टरी, जिसमें हमने पानी मिला के रखा हुआ था, वो हम 2 चम्मच डाल देंगे। बस सिर्फ 2 चम्मच आज ऐड करना है और इसको ऐसे चलाते रहना है। 2 चम्मच डाल दिया मैंने इसमें टाटरी, और इसको मैं अब ऐसे चला दूँगी। अगर इसमें ये फट जाता है ठीक, नहीं तो हमें बाद में भी थोड़ा थोड़ा टाटरी करके इसमें ऐड करना है, ताकि तब तक ये फटेगा नहीं तब तक। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी इसमें 2 चम्मच टाटरी ऐड किया था। ये दूध फट रहा है, लेकिन अभी ठीक से फटा नहीं है। तो मैं इसमें अभी और टाटरी का वो जो पानी है, वो मैं इसमें यूज़ करूँगी, वो डालूँगी। ये मैंने 3 से 4 चम्मच के लगभग फिर से डाल दिया और इसको मिक्स कर दूंगी। फिर मैं इसको मिक्स करने के बाद 5 मिनट और वेट करूंगी, देखूंगी इसका प्रोसेस कितना आगे बढ़ गया है। और जो इधर मेरी रबड़ी है, मैं इसको भी बार बार इस पर ध्यान दे रही हूँ, इसको भी चला रही हूँ। ये नीचे लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये नीचे लग जाएगी कढ़ाई में या आपके बर्तन में, तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, इसमें एक अलग सी स्मेल आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल दूध में से जो छेना है वो अलग हो गया, पानी पानी अलग हो गया। अब मैं इसको मैंने छन्नी लगाई, इसमें मैं छान लूँगी, इसमें से मैं ये सारा छेना निकाल लूँगी अलग, इस तरीके से। गर्म होगा तो आप भी इस काम को ध्यान से करें, ताकि आपका हाथ ना चले। इस तरीके से सारा पानी नीचे निकल जाएगा और ये छेना छेना हमारा अलग हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा पानी, या फिर हम इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिला सकते हैं, ताकि ये ठंडा हो जाए। साफ पानी, ठंडा पानी।
इस मैंने छेने में से जो पानी था दूध का जो एक्स्ट्रा वो निकल चुका है। अब हम इसको साफ पानी से फिर से इसको धोएंगे छेने को, ताकि इसमें जो हमने टाटर डाली थी उसका वो खट्टापन निकल जाए। अब मैंने इसको अच्छे से धो दिया है, इसका सारा खट्टापन निकल गया। और इसको मैंने यहाँ इस बर्तन के ऊपर रख दिया है, ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो उसमें से निकल जाएगा। इधर मेरी रबड़ी बन रही है, ये देखिए यहाँ इसमें उबाले आ गए हैं। इसको मैं चलाती रहूँगी। रबड़ी बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी तो प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है। सो गाइस, आप देख रहे हैं कि जो रबड़ी वाला दूध है इसमें मैंने इलायची डाल दी है, उसको थोड़ा सा कोट लिया है बारीक बारीक सा और उसमें डाल दिया है। अब मैं थोड़ा सा इसमें कलर ऐड करूँगी, बहुत ज़रा सा, सिर्फ इतना। और इसको चलाती रहूँगी मैं, क्योंकि अब रबड़ी बनने ही वाली है। ये गाढ़ा हो रहा है दूध, मैं इसको इस तरीके से चलाती रहूँगी। आप देख रहे हैं कलर डालते ही कैसा कलर आ गया, दूध का कलर चेंज होता जा रहा है। बस इसको ऐसे चलाते रहना है, गाढ़ा होने देना है। अब इसी वक्त हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। आप ड्राई फ्रूट जो भी आप खाना पसंद करें, मखाने डालें। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि जो दूध है वो काफ़ी गाढ़ा हो गया है, ये रबड़ी। अब मैं इसमें लगभग एक कटोरी चीनी ऐड कर दूंगी। ये मैंने एक मीडियम साइज की कटोरी चीनी मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसको मैं चला दूंगी। और मुझे इसको अब बस तब तक पकाना है जब तक ये चीनी इसमें घुल ना जाए। उसके बाद मैं गैस बंद कर दूंगी और इस रबड़ी को मैं अलग निकाल लूँगी किसी और बर्तन में, और इसमें मैं फिर रसगुल्ले बनाऊँगी। ये हमने अपनी रबड़ी अलग निकाल के रख लिया। अब इसमें हम दो चार बूंद रोज एसेंस की ऐड कर देंगे। ये देख रहे हैं आप, अब इतना हम इसमें मिक्स कर देंगे। बस इस तरीके से इसको मिक्स कर देना है और इसको रख देना है ढक करके। साइड पे हम लोगों ने ये कढ़ाई रख ली, गैस ऑन कर दी है। अब इसमें हम लोग ये लगभग एक कटोरी, छोटी एक कटोरी चीनी है इसमें हम ये डालेंगे। ये सीरम बना रहे हैं हम लोग। और लगभग 2 लीटर पानी इसमें हम लोग ऐड करेंगे। और फिर हमें वेट करना है पानी के उबलने तक का। ये यहाँ पे मैंने चीनी और पानी है ये मैंने रख दिया, इसको उबलने तक का वेट करना है हमें। इसे चलाते हुए रहना है बीच बीच में। और इधर साइड में आप देख रहे हैं जो छेना है, ये हमारा इसमें से बिल्कुल पानी निकल चुका है और ठंडा भी हो चुका है इस तरीके से। अब इस छेने को हम लोग मलेंगे अरारोट पाउडर को मिक्स करके। ये कॉर्नफ्लावर है, आप अब इसको हमें मलना है। आप इस तरीके से इसको मलना है, ताकि आप एक जैसे हम आटा का डो बनाते हैं उसी तरीके से डो बन जाएगा। ये छेना अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। आप इसको मलते रहिए कम से कम 5 से 10 मिनट तक। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसमें ये जो छेना था हमने निकाला था, इसमें हम लोगों ने कॉर्नस्टार्च मिक्स करके वो 1 चम्मच इसको अच्छे से फेंट लिया है। इसको इस तरीके से लगभग आप 5 से 7 मिनट तक अच्छे से फेंट सकते हैं, बिल्कुल मिक्स हो जाना चाहिए। इस तरीके से फेंट लिया है। अब आके देखते हैं क्या करना है। ये आप देख रहे हैं मैं छोटा सा 1 चम्मच ले लिया है। अब इसको हम शेप बनाएंगे इस तरीके से। शेप बनाते वक्त ध्यान रखें बीच में कोई क्रैक नहीं आना चाहिए। इसको गोल गोल करके और थोड़ा सा बीच में ब्रश कर देंगे। आप किसी भी साइज की बना सकते हैं। इसी तरीके से हम पूरे पेस्ट की बना लेंगे इस तरीके से गोल गोल। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो चीनी और पानी मिक्स करके रखा था इसमें उबाली आ गई है। इसको इसी तरीके से उबालना है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने ये छेने की छोटी छोटी गोलियाँ चपटी चपटी से बना ली हैं। यहाँ मेरा पानी वो सीरम में वो उबल रहा है, मैं इसी में एक एक करके सारे ऐड कर दूँगी। हमें इसी में सारे एक एक करके बहुत ही आराम से ये काम करना है हमें। फ्रेंड्स, आप इस बात का ध्यान रखें पानी एकदम उबलता रहना चाहिए, गैस आपकी तेज़ होनी चाहिए। इसमें आप धीरे धीरे डालेंगे और ये देख रहे हैं आप, ये बड़ी अपने आप ये बड़ी होती चली जाएंगी। आप इसमें इसको धीरे धीरे ऐड करें, पानी एकदम तेज उबलना चाहिए, गैस आपकी तेज होनी चाहिए। इसी तरीके से धीरे धीरे करके आप ये सारे छेना के पीस इसमें ऐड कर देंगे। इसमें से कुछ बड़े भी हो गए आप देख सकते हैं। बस अब इसको हम तेज आंच पर ही थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे।
फ्रेंड्स अभी 2 मिनट हो गए हैं और मैं देख रही थी कंडीशन क्या। आप देख रहे हैं सारे के सारे काफ़ी फूल गए हैं, इन सब का साइज डबल हो गया है। इसको ज़्यादा चलाना नहीं है, इसको ज़्यादा करछी मत लगाइएगा और इसको तेज आंच पे बोलने दीजिएगा। अगर आपको लगे कि इसमें पानी कम हो रहा है तो आप ऐड कर सकते हैं, इसमें बीच में भी पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सो इसको हमें कम से कम 2 मिनट के लिए और पकाना है, तो अभी और ढक के रख दूंगी मैं इसे। ये देख रहे हैं आप, 2 मिनट के बाद हमने ये देखा है ये इसका साइज डबल होता जा रहा है। अब हम इसमें चम्मच की मदद से एक एक पीस को पलट देंगे इसमें धीरे धीरे, बहुत ही आराम आराम से हमें ये काम करना है, आपका हाथ जलना नहीं चाहिए। तो चम्मच की हेल्प से आप एक एक पीस को पलट दें। सो फ्रेंड्स अभी इसको लगभग 20 मिनट हो गए हैं पकते हुए, अब हम अपने गैस बंद कर देंगे। ये मैंने अपनी गैस बंद कर दी है और इसको इसमें रहने देंगे हम जब तक ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तब तक हम इसको इसी में रहने देंगे। सो फ्रेंड्स अभी हमारे ये ठंडे हो गए हैं, इसको हम लोग इसका एक्स्ट्रा पानी निकालते हुए इसको अपने सर्विंग प्लेट में हम सर्व कर लेंगे इस तरीके से। जाली वाली करछी का यूज़ कीजिए ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है, इसमें जो सीरम है, चाशनी है, वो निकल जाए। कंप्लीटली नहीं निकलेगी लेकिन जितना एक्स्ट्रा है वो निकल जाए। इसके बाद हम इसमें रबड़ी ऐड करेंगे इस तरीके से, हमारी प्लेट रेडी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स हमारी ये रसमलाई रेडी है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहें तो इस पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और भी आप ऊपर से गार्निश कर सकते हैं इसको सुंदर दिखाने के लिए इस तरीके से। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।